बिग बॉस 18 के लिए खतरों के खिलाड़ी में आई हुई हसीना को कर लिया गया है अप्रोच। मैं बात कर रही हूं कनिका मान की। कनिका मान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कनिका जो है खतरों के खिलाड़ी में, मतलब कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया। लोगों ने बोला बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये बनती है, बनावटी है, ये दिखावा करती है, वगैरह वगैरह बातें। जहाँ पर अच्छी बातें होती है वहाँ पर बुरी बातें भी डेफिनेटली होती है, और जहाँ पर बुरी बातें होती है वहाँ पर अच्छी बातें भी डेफिनेटली होती है। तो कनिका मान के बारे में भाई, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको जो है अप्रोच किया गया है, और वो अप्रोच भी किया गया था, और ये ऑलमोस्ट जो है वो कन्फर्म भी हो चुकी थी। पर एन मौके पे जो है कुछ ऐसी मेकर्स के साथ है, इनकी मीटिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जिसके कारण इन्होंने बैक ऑफ कर लिया। और उसी वक्त जो है सना रहीस खान को जो है इनकी जगह पर शो में लाया गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखते हैं तब आप लोगों को पता भी होगा। तो कभी कभार जो है मैं पुरानी बातें आप लोगों को याद दिला देती हूँ, तो याद दिला के जो है तभी भी आप लोगों हाँ 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 खुशी रू तुमने बोला था ये बात, सही भाई सही है। तो अब जो है फिर से इनको एक बार बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच कर लिया गया है। अभी बिग बॉस 18 में जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेकर्स के साथ, तो वो शायद अब मेकर्स ने जो है वो क्लियर कर दी होगी, वो सब चीज़ें जो है वो ठीक हो गई होगी, तो इसीलिए इनके पास एक और ऑफर आ चुका है। तो अगर ये आती हैं तो लोग इनको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है सोशल मीडिया पर होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, बातें बहुत ज़्यादा क्यूट करती हैं, और इनकी रियलिटी जो है वो लोग देखना ज़रूर चाहेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या कनिका मान को आप लोग बिग बॉस 18 में देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।